पुणे विधानसभा उपचुनाव में जीत के दावों का दौर जारी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि जब कोई जनाधार ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। और इस पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी कैंडिडेट की जीत पक्की है। कुरहनी में जिस तरह से मतदाताओं का समीकरण है उसके आधार पर महागठबंधन के सामने कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक वोट हमारे पक्ष में हो, अधिक से अधिक मार्जिन हो, इस बात के लिए तो आम लोगों से हम अपील करेंगे ही कि सब लोग मिलकर किसी वोटकटवा के पक्ष में मत जाएं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग वोट करें। क्या तैयारी है सरकार का? तैयारी जनता के बीच जाना है, लोगों के बीच जा कर के लोगों से अपनी बात कहनी है और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कहीं से हो रही है उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। स्वाभाविक रूप से जब लोगों के बीच कन्फ्यूजन कम से कम होगा तो महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। ये सब सवाल का जवाब देना औचित्य के स्तर से नीचे है, इसलिए ये सब का विकार है। ये सब का जवाब नहीं देते, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हमारा जनाधार है, हम अपने बैंक वोट पर, वोट बैंक पर और जो माननीय नेता ने जो काम किया उस पर हम वोट मांगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, तीन तीन बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं कहीं बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीते। चुनाव में केदार गुप्ता जी वहाँ पर सक्रिय हैं और चुनाव में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि सभी समाज के लोग केदार गुप्ता के किए गए रोड के कामों का और जो न्योता पेहानी में आते जाते मिलते जुलते रहे हैं उससे सभी वर्गों का झुकाव उनके तरफ है और केदार गुप्ता जी काफ़ी आगे चल रहे हैं। हम समझते हैं कि केदार गुप्ता जी की के स्पष्ट जीत होगी और निश्चित तौर से केदार गुप्ता जी उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे।